हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेंसिल ब्रेकर एंड वेलकम टू कोर्स। इस कोर्स में आज हम स्टडी करेंगे सीमलेस पैटर्न के बारे में। पहले हमने स्टडी किया था पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में हमने जैसे हम पैटर्न डिफाइन करते थे, डिफाइन करने के बाद उसको जब हम फिल करते थे तो उसके अंदर कुछ हमारे टाइल से बने हुए पेस्ट होते थे और वहाँ पर जुड़ा हुआ सा कुछ नज़र आता था जो पैटर्न हम डिफाइन करते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब आज हम सीमलेस पैटर्न की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है गूगल से, कुछ ऐसा ही हमने इमेज डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड करने के बाद, ये कंक्रीट का इमेज है, मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ। कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ कोई टाइल है ये जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसको अभी हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल मार्की टूल है वो सेलेक्ट किया हुआ हमने, और यहाँ पर आपके न्यू सिलेक्शन पर क्लिक हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर आपका स्टाइल जो है फिक्स साइज़ होना चाहिए, और यहाँ पर उसका विड्थ और हाइट जो है आप अपने अकॉर्डिंग चाहे 500 रख लें या 700 या 1000, जो भी आप रखना चाहिए रख लें। तो मैं यहाँ पर 800 इसका साइज़ कर देता हूँ, 800 बाय 800 पिक्सल। तो इसकी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें इक्वल सा साइज़ मिलेगा, 800 बाय 800 का स्क्वायर जो हमारा साइज़ होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी करें, और देन हम यहाँ पर न्यू ले लेंगे फाइल, और यहाँ पर हमारा विड्थ जो है 800 बाय 800 ही यहाँ पर रखेंगे। सेम पैटर्न हम यहाँ पर रखेंगे जो हमने सिलेक्शन किया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट हो चुका हुआ हमारा देख सकते हैं, हमारा जो हमने सेलेक्ट किया था 800 बाय 800। देन हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट में चलेंगे, डिफाइन पैटर्न करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न टू यहाँ पर डिफाइन हो चुका हुआ है। तो इसको अभी हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर एक न्यू फाइल और लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ पर 1200 बाय 1200 लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे टाइल्स कैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है। अभी इसको फिल करेंगे जो पैटर्न हमने डिफाइन किया है। शिफ्ट बैक स्पेस से हम यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लास्ट वाला जो हमने डिफाइन किया है ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो हमारा इमेज है यहाँ पर टाइल बना सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर चार बॉक्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो ये चीज़ को अभी हम कैसे रिकवर करेंगे कि हमारा टाइल्स नज़र ना आए, ये सीमलेस पैटर्न नज़र आए, यहाँ पर कुछ भी जॉइंट्स आपस में नज़र ना आए। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए हम आगे चलते हैं कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम ये बिना सीमलेस पैटर्न को कैसे हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वापस अपनी जो हमारी 800 बाय 800 की इमेज थी वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आके हम अभी हम क्या करते हैं, इसको अभी हम यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आकर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लेयर की दो कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल जे कर लेते हैं, और ये अला लेयर अभी हम हाइड कर लेते हैं अपर लेयर, और सेकेंड लेयर पर अभी हम चलते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड लेयर पर यहाँ पर आकर अभी हम फिल्टर के अंदर ब्लर और एवरेज के अंदर चलेंगे, ये हमारा जो है एवरेज कलर जो सॉलिड कलर है उसको फिल करके आपको दे देगा। देन अभी हम अपर लेयर के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर अपर लेयर पर अभी हम इसका जो है मोड चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जहाँ हार्ड लाइट कर लेते हैं इसका, या इसको लीनियर लाइट कर लेते हैं, यहाँ पर इसका ब्लेंड जो है हार्ड लाइट करके देख लेते हैं, या फिर इसका अभी हम लीनियर लाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हार्ड लाइट ठीक रहेगा, उसको ये अभी हम कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर के अंदर चलते हैं, फिल्टर के अंदर चलकर यहाँ पर अदर्स के अंदर चलेंगे। यहाँ पर अभी हम अदर्स के अंदर चलकर यहाँ पर हाई पास है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा, हाई पास ये क्या करेगा, अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो कर दूँ इसकी वैल्यू, तो ये आपका बिल्कुल नीचे वाला जो सेकंड लेयर वाला पैटर्न है वैसा ही उसको बना देगा, जो आपको दिख रहा है नीचे सेकंड लेयर में ये वाला, यही आपको दिखा देगा। जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो ये इसकी डिटेल्स आपको निकाल कर निकालता जाएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा यहाँ पर वैल्यू सेट करें, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ताकि जो इतना वैल्यू सेट रखें कि पैटर्न भी अच्छा रहे और साथ साथ बिल्कुल फ्लैट भी हो जाए, ये लाइट ओवरऑल फ्लैट मतलब कि हम रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम ये वाला रख लेते हैं पैटर्न 14.1 करके, देन ओके कर देते हैं।
तो अभी हमने ओके कर दिया, अभी हमारा ये इमेज निकल कर सामने आया हुआ है। अभी अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं एडिट में जाकर डिफाइंड पैटर्न कर देता हूँ, तो पैटर्न 3 यहाँ पर आ जाता है। देन यहाँ पर मैं एक नया इमेज ले लेता हूँ और कैनवस ले लेते हैं, 1000 बाई 1000 कर देता हूँ इसको। यहाँ पर इसको फिल करके देखते हैं कि अभी हमारा सीमलेस पैटर्न वर्क करता है या नहीं। तो शिफ्ट बैक स्पेस से हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और ये वाला पैटर्न यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए अभी हमारा पैटर्न यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर इसको दोबारा हम और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, तो देखते हैं कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं सीमलेस पैटर्न को। तो अभी हमने देखा यहाँ पर हमारा अभी पैटर्न दिख रहा है, तो इस चीज़ को अभी हम कैसे ठीक करेंगे। हम वापस अपने ये इमेज पर चलते हैं। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, अपनी ये सारी इमेज को इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इसकी कॉपी बना लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ई को, ई के साथ हम इसको मर्ज करके इसकी एक न्यू लेयर पर हमारी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई के साथ हमारी एक नई, ये देख सकते हैं हमारी एक नई इमेज बन चुकी है। ये हमारी देखिए नीचे वाली लेयर को उसने उसको मिला मिलू कर उसने एक नई कॉपी क्रिएट कर दी लेयर टू के ऊपर। आप देख सकते हैं ये इमेज इसने क्रिएट कर दी। तो अभी हम इसका क्या करते हैं, इसके अंदर इसकी सेटिंग करते हैं थोड़ी सी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर में चलते हैं। फिल्टर में चलकर अदर्स के अंदर हम ऑफसेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऑफसेट क्या करता है, हमारी इमेज की जो होती है इमेज की साइड्स को कुछ शिफ्ट कर देता है। तो इस इमेज को कितना शिफ्ट करना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं ये वैल्यूज़ को। यहाँ पर आप अगर हॉरिजेंटल पिक्सल यहाँ पर ऐसे करेंगे तो आपका ये ऐसे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वर्टिकल ऐसे करेंगे तो आपका वर्टिकल ऐसे हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो आपसे सेटिंग की हुई होगी अपने इमेज की। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैप अराउंड रहेगा और जो हमने अपनी इमेज की सेटिंग की थी 800 बाय 800, तो हम यहाँ पर 500 बाय 500 ले लेते हैं। अगर हमारी यहाँ पर ठीक बैठी तो ठीक है, ये हमारा इमेज देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी यहाँ पर ज्वाइंट नज़र आ रहा है। तो 700 बाय 700 करें या फिर 800 बाय 800 करके देख लेते हैं हम। तो ये 800 बाय 800 में भी ये सेटिंग इसकी ठीक बैठ रही है, लेकिन हम यहाँ पर 400 बाय 400 कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर अभी इसका वर्टिकल और यहाँ पर जो अभी टाइल्स नज़र आ रहा है, तो जो हमारा टाइल्स है वो हमारा लेफ्ट साइड से जा रहा है तो राइट साइड से वो निकल रहा होगा। तो हमें यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये जो हमारी सेटिंग है इसको अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अभी 4 टाइल्स नज़र आ रहा है इसको अभी हम क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प से ठीक करेंगे। तो ऑल्ट हम यहाँ पर ले लेंगे जो जहाँ पर उसका जो भी वैल्यू होगा, अलग अलग पोर्शन से हम अलग अलग यहाँ पर ले लेंगे, हल्का सा जो भी हमारा देख सकते हैं। तो ये पैटर्न हम यहाँ से इसको ख़त्म कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक इसको ठीक कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पर जितना भी आप देख सकते हैं हमने इसकी काफ़ी जो है इसको ठीक कर लिया काफ़ी हद तक। तो अभी हम कंट्रोल ए करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम एडिट में चलकर इसका पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर पैटर्न 4 आ चुका हुआ है, ओके कर देते हैं। देन हम इसी पैटर्न को यहाँ पर फिल करके देख लेते हैं, शिफ्ट बैक स्पेस से यहाँ पर आकर पैटर्न जो है हम लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा कोई भी यहाँ पर पैटर्न जो है वो दिख नहीं रहा। अभी हमने यहाँ पर 400 बाय 400 लिया हुआ था, लेकिन हमारा इमेज अभी 800 बाय 800 है, तो यहाँ पर टाइल्स नज़र आना चाहिए, तो लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऐसे इस मेथड से आप अपना सीमलेस पैटर्न जो है सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव करके सीमलेस पैटर्न क्रिएट कर लिया हुआ है। तो ये मेथड से आप अपने सीमलेस पैटर्न जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो चैप्टर था हमारे पिछले पैटर्न के साथ रिलेटेड था, उसमें हमारे
जो भी आप फिल करते थे आपको इस चैप्टर में दिखाया कि कैसे पैटर्न बन जाते हैं। तो इस पैटर्न को रिमूव करने के लिए, एक साथ ज्वाइंट करने के लिए, तो हमने जो भी यहाँ पर इमेज सेटिंग की, उस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप अपना जो है सीमलेस पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।